तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टोन पेंटिंग। मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के स्टोन है, जिसमें से 2 को मैं अभी पेंट कर रही हूँ, और इस पर मैं कोई डायग्राम कोई फिगर बनाऊंगी और फिर उसको हम लोग कलरफुल पेंट करेंगे। अब चाहे तो इसको पेपर वेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल बनाई है, जिसका नाम मैंने रखा है पिंकी। तो देखते हैं पिंकी को मैं पूरा पिंक कलर से कलर कर रही हूँ, देखते हैं पिंकी कैसी लगती है पूरा कलर हो जाने के बाद। अब बारी है आउटलाइनिंग की। आउटलाइनिंग करके तो जैसे लगता है कि पिंकी में जान ही आ गई है। और अब हम पेंट करेंगे पिंकी के लंबे लंबे खूबसूरत बालों को। हमारी पिंकी उदास क्यों है भाई, इसको थोड़ा हंसाना भी तो पड़ेगा। तो अब मैं इसके फेस पे लाऊंगी प्यारी सी स्माइल। और इसकी छोटी सी नोज। यह हमारी पिंकी बनके तैयार है। और अब बारी है सेकंड स्टोन की, जिसका शेप ट्रायंगल है, जो कि एकदम पिज़्ज़ा के स्लाइस जैसा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको पिज़्ज़ा के स्लाइस का ही रूप बनाया है। और ये मैं उसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम्स, बिकॉज आई लव कैप्सिकम। अब मैं इसकी भी आउटलाइनिंग करूंगी और थोड़ी सी डिटेलिंग, ताकि हमारा पिज्जा सचमुच का पिज्जा लगे। और अब मैं इस पिज्जा को चारों तरफ से पेंट कर दूंगी। यहाँ मेरी पिंकी की आईब्रोज छूट गई थी यार। और अब बारी है हमारे तीसरे पत्थर की, जो कि ट्रायंगल शेप में था, जो काफी हद तक एक माउंटेन जैसा दिख रहा था, और उसका कलर भी वैसा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको माउंटेन ही बना दिया जाए, स्नो माउंटेन। तो मैं इसको व्हाइट कलर से ऊपर स्नो दिखा रही हूँ, और आप देख सकते हैं अभी से काफ़ी हद तक रियल दिख रहा है। तो मैं इसको चारों तरफ से कवर करूँगी।
और मैं अब इसमें डिटेलिंग ऐड करूँगी ताकि हमारा पहाड़ और भी अच्छा लगे। ये हमारा छोटा सा पहाड़, ये हमारी आ गई पिंकी पिज़्ज़ा खाते हुए।